हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान गर्भ में लड़का या लड़की होने पे गर्भ में कौन से हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है? देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। इसके ऊपर हमने पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हम मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में कौन से हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके गर्भ में कौन से हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द रहता है लड़का या लड़की कंसीव करने पे। ये जो प्रेगनेंसी का जर्नी है, जो 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, उसमें हर गर्भवती महिलाओं के मन में ये जिज्ञासा तो हमेशा उठता है जानने की कि उन्होंने जो बच्चा कंसीव किया, यानी कि उनका जो आने वाला घर में नया मेहमान है, वो एक लड़का है या लड़की है। देखिए दोस्तों, जेंडर जानना कोई गलत बात नहीं है, ताकि आप अगर बच्चे का जेंडर जान लेंगे तो उस हिसाब से अपने बच्चे की तैयारी कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जेंडर प्रोटेक्शन बैन है। लेकिन आप अपनी दादी नानी की बोली हुई बातों से, उनकी बोली उपाय से आप बच्चे का जेंडर जान सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि गर्भ में लड़का होने पर आपके गर्भ में कौन से हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है। तो चलिए बिना देरी किए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत ऐसे हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में आपको दर्द देखने को मिलता है। लेकिन लड़का या लड़की होने पे आपके गर्भ में कौन सी जगह पे ज़्यादा दर्द होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से, यानी कि नाभि से ऊपर वाले हिस्सा, जो नाभि के ऊपरी वाले पेट है, उसके ऊपर अगर आपको ज़्यादा दर्द रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट मीन्स आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि लड़कियां जो होते हैं वो पेट के ऊपरी हिस्से में, यानी कि नाभि के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा उनका मूवमेंट होता है। अगर आपका बेबी एक लड़की है तो वो पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा मूवमेंट करती है, पेट के ऊपरी हिस्से में रहती है, इसके लिए आपको पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है। अभी हम बात कर लेते हैं लड़का होने पर आपकी पेट के कौन से साइड, कौन से हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है। देखिए, लड़का होने पर आपको पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है, आपके गर्भ के निचले हिस्से में आपको ज़्यादा पेन होता है। और साथ ही साथ अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दाएं तरफ, नहीं तो बाएं तरफ, दोनों तरफ अगर आपको ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा दर्द होता है, दैट मीन्स आपका जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़का होता है। तो आप अपने पेट के में होने वाले दर्द, यानी कि आपके गर्भ में होने वाले दर्द से आप जान सकते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी इसी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।